मैं पंडित नवीन चंद शर्मा, समाज सेवी। यहाँ आज 21वें रमजान के दिन पर, रोजे के दिन पर रोजा अफ्तार हुआ। मैं बचपन से यहाँ आता हूँ। हमारे नवाब भाई ने जो शुरुआत की थी रोजा अफ्तार की, वो हमारे बेटे जैसे सलमान भाई ने उसको कायम रखा है। ये बहुत सराहनीय कार्य है और यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, उर्स होता है उसमें भी आते हैं। नवाब भाई होली भी करवाते थे यहाँ पर। उस परंपरा को, भाईचारे की को उन्होंने कायम रखा है। हम दुआ करते हैं कि ये और फले फूले, इस परंपरा को कायम रखें और भाईचारे का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम इस नफरत के दौर में यहाँ से जो जाता है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। ये मिसाल कायम रहनी चाहिए, आगे भी ये सिलसिला चलता रहे, ये अल्लाह से हम दुआ कर मांगते हैं। शुरू करूँ? मेरा नाम गुलाम उम्र है। सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में विकास निगम का डायरेक्टर हूँ। आज रोजा अफ्तार पार्टी में मैं यहाँ शरीक हुआ और ये सलमान साहब के द्वारा हर साल ये कार्यक्रम कराया जाता है। इस कार्यक्रम से शहर में मोहब्बत और खुशी का एक पैगाम जाता है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सलमान साहब इस कार्यक्रम को हमेशा करते रहें, इससे शहर में एक अच्छा मोहब्बत का पैगाम जाता है। अफ्तार जो है वो एक साल में रोज़ा आता है, रोज़े का महीना आता है ये, और हर मुसलमान पे रोज़ा फ़र्ज़ है। 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं, तो अब जगह जगह लोग एहतरामन लोग बेरोज़गारों को जो है दावत देते हैं और यही एक नमूना है कि आज यहाँ हम जहाँ मेवा कटरे में सलमान ने दावत दी सारे लोगों को, शहर के सब लोग यहाँ आए, तो उसका यह है। रोज़े का मतलब ये कि हमें एहसास होना चाहिए भूख का, ताकि हम गरीबों के भूख का एहसास कर सकें। तो ये इस्लाम में ये है कि हम 12-13 घंटे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उसके बाद जो है हमें ये एहसास होता है ज़िंदगी का कि ज़िंदगी किन रास्तों से गुजर के, और हम भूख में भी रह सकते हैं, प्यास में भी रह सकते हैं, लोगों के दर्द और उसका भूख प्यास का एहसास कर सकते हैं। तो रोज़े का मतलब ये है, और रोज़े में तमाम चीज़ों का रोज़ा होता है, आँख का रोज़ा होता है, ज़बान का होता है और पेट का रोज़ा होता है, तो तमाम चीज़ों का रोज़ा है कि हम सब उसमें अकड़े हलाल खाएंगे, ज़बान से कोई गंदी बात नहीं बोलेंगे, नज़र किसी जगह हम गलत नहीं डालेंगे और हमने ईमान को पुख्ता करेंगे अपने को। ये ख़ास मकसद रोज़े का है और 30 दिन में हमारा ईमान जो है बहुत पुख्ता हो जाता है और हम जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके मुताबिक, शरे के मुताबिक जो है, चूँकि अल्लाह ताला ने ये जब अल्लाह ने वहाँ बुलाया आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज में, तो आपको ये तोहफा दिया कि 5 वक्त की नमाज आपकी जो उम्मत रखेगी और 30 दिन के रोज़े रखेगी। तो मुसलमान इसके ऊपर कासिर है, मुसलमान जो है उसको मानते हैं और मरते दम तक मानते हैं, और यही इस्लाम है। इस्लाम का पैगाम भी ये है कि रोज़ा रखो, गरीबों का एहसास करो। मैं के पीरज़ादा अलहाज कासिम अली शाह, रमजानवी दरगाह मरकज साबरी कंपाउंड आगरा क्लब आगरा से हूँ। आज हमारे मेवा कटरा खानकाह कादरिया के अंदर आज जो रोज़ा अफ्तार हुआ है, हजरत मौलाई तारिक मौला अली करमल्ला बजोकी, अब आज अभी नहीं, एक ज़माने से यके बाद दीगरी इनके बाबा दादा के टाइम से बराबर चला आ रहा है, और ये रोज़ा अफ्तार हमारे नवाब भाई और फिर उनके साहबजादे सैयद सिनवान अली शाह कादरी सज्जादा नसी खानकाह कादरिया के बखूबी इस रोज़ा अफ्तार से लेके जितनी भी इनकी बुजुर्गों की रस्मात या फातिहा फानी होती है, बखूबी यके बाद दीगरी अंजाम दे रहे हैं। और जे खानकाह कादरिया वो खानकाह कादरिया है कि यहाँ पर हर सूफी मशायख उलमाए दीन सारे की सारे आते हैं, और उनके अलावा हर धर्म मिल्लत का यहाँ पर आता है। आने के बाद जो हमारा जो आगरा शहर है, जिसको कि अकबराबाद कहते हैं, गंगा जमनी जो तहजीब का जो नज़ारा देखने को मिलता है, वो खानकाह कादरिया मेवा कटरे के अंदर मिलता है। हर साल की तरह इस बार भी मेवा कटरे में जो है मेवा अफ्तार का आयोजन किया जाता है,
क्योंकि सलमान साहब द्वारा किया जाता है और इस रोजा अफ्तार में सभी संप्रदाय के लोग जो सम्मिलित होते हैं और यह भाईचारे की एक अलग ही रंग नजर आता है और इस तरीके से ये आयोजन और बजाय रहने चाहिए। ठीक।